दो जगह मामला फंसा हुआ है। एक, नीतीश चाहते हैं कि लौकुश भी साथ लें और ललन सिंह को जो वादा किया था वो भी पूरा कर लें, वरना ललन सिंह भी भगोड़े हो जाए, वो कभी भाग सकते हैं, दांत गिनने लगेंगे, क्या क्या करने लगेंगे। और बात आरसीपी को भी रास्ते से हटाने की है जी, आरसीपी लव हो जाते हैं, संतोष कुशवाहा को कुछ बनाना है जी, और इनको एक भूमिहार जो कि ललन सिंह है इनकी पार्टी के, उनको भी साधना है। अब भाजपा यहाँ गेम खेल जा रही है, भाजपा साफ कर रही है भूमिहार कोटे से मंत्री पहले से ही तो है। ऐसी स्थिति में पारस बाबू का क्या होगा जिनका सरकार चला रहा है? अब सारी बातें परिस्थितियां ऐसे फंस जा रही है कि भाजपा साफ कर रही है कि ललन सिंह को तो मंत्री नहीं बनना है। अब मजबूरी थी कि वो चिट्ठी गंतव्य तक पहुंचानी भी थी, उसके डबल पैसे मिलने थे, इसलिए वो चिट्ठी जो है और तेजी से स्पीड पोस्ट हो जाएगी, समझे? तो जा करके देने पर जिस आदमी को के नाम से होती थी, उस नाम उस आदमी को एक रुपया या दो रुपया देना होता था, लेकिन अगर वो नहीं रिसीव करता था तो दूसरे को डबल देना पड़ता था, मतलब दो के जगह चार देना पड़ता था। नीतीश जी के लिए वही स्थिति हो गई है। ये तो गए थे वहां दिल्ली और इसलिए गए थे कि इज्जत के सम्मान के साथ इनको बुलाया जाएगा, लेकिन थाली इनके सामने से खींच ली गई जो 2013 में इन्होंने किया था। चेस शुरू होता है शतरंज तो ये पता नहीं होता कि कौन मरेगा, लेकिन ये जरूर पता होता है कि राजा मरेगा जी, और राजा किस तरफ का मरेगा यही तय करने में समय बीतता है जी। देखें कि पारस जी कहीं शेरवानी वाली सिलवा रहे थे, कोई उनके सहयोगी हैं केशव जी उठा कर ले गए थे उनको, चलिए शेरवानी सिलवा ही लेते हैं। अब देखिए विडम्बना, देखिए वहाँ उसी जगह शेरवानी सिलवाया गया है जिस जगह 2015 में प्रेम कुमार गए थे सिलवाने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उसी जगह पर जहाँ पर ललन सिंह अपना शेरवानी का ऑर्डर दिए थे जब मंत्रिमंडल विस्तार पिछले बार हो रहा था। यानी बहुत बढ़िया जगह नहीं है। अब उनसे अब नमन मिश्रा बोल रहा था तो बर्दाश्त, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, अरे अब तो हमेशा बोलते सरकार गिर जाएगा। अब तेजस्वी यादव बोल रहे थे, जाके उनके मुँह पर बोलिए फेक न्यूज चैनल का है खोल दिए तेजस्वी जी, बोलिए जाके, और नहीं बोलिएगा तो बोलिए कि नमन मिश्रा के 2-3 महीने बाद तेजस्वी का बुद्धि खुला। धप्पा और मूंछों का खेल हर कोई खेला हो, लेकिन भाजपा इसको जितना बेहतरीन ढंग से खेलती है उतना शायद कोई नहीं खेलता है। जी जी, भारतीय जनता पार्टी करती क्या है कि आपको पहले अपने गोद में बिठाती है जी, फिर दुलारती पुचकारती है और आस्ते से हाथ दोनों, कभी कभी तो कान तक चबाने का मौका देती है नीतीश जी, चबा रहे थे कि एक इमोशनल पॉइंट चाहते हैं नीतीश कुमार, नीतीश चाहते हैं कि उनको धोखा मिले। वो धोखा चिराग पासवान के मंत्री बनाने के तौर पर भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी रणनीतियां सामने ला दी। अभी भी परिस्थितियां वही हैं, अभी भी भाजपा अगर मंत्रिमंडल को विस्तार को आगे बढ़ा रही है तो उसमें बहुत बड़ा कारण है। चुनाव के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में भाजपा ही रहेगी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। रातों रात वो खबर होती है जो आने वाले पूरे दिन के समेत कुछ और आने वाले दिनों तक की राजनीति को समप कर देती है, यानी उनका निचोड़ निकालकर आपके सामने प्रस्तुत कर देती है। इससे आने वाले समय में आपको राजनीति को समझने में भी आसानी होती है और कई सवाल जो आपके मन में होते हैं, जहन में होते हैं, उन्हें दूर करने का हम प्रयास करते हैं। अब चूंकि बाबा और मेरी वापसी हुई है रातों रात में एक साथ, तो जरूर खबर बड़ी होगी। आपको पता है बिहार सरकार में कई समस्याएं हैं, कोरोना के दौरान भी हमने देखा था, खासतौर पे मेज से ज़्यादा आप लोगों की बात हो रही थी। मैंने आपको स्पष्ट बताया था कि सरकार बहुत अनस्टेबल है अंदर अंदर, ये तूफान के अंडर करेंट की बात चल रही है। ऐसे जैसे कि चुनाव के दौरान हमने देखा था कि बिहार में सरकार बनाने को लेकर खासतौर पर भाजपा को कोई समस्या नहीं हुई, नीतीश कुमार को भी जिसे ही मुख्यमंत्री बना दिया गया भाजपा की तरफ से, उनकी भी कई जो रिजर्वेशंस थी भाजपा को लेकर वो भी समाप्त हो गए। लेकिन चुनाव के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया कि बिहार में बड़े भाई की भूमिका में भाजपा ही रहेगी। नीतीश कुमार को ये असहजता की तरफ लेकर गया और असहजता से सहजता की ओर नीतीश का जो सफ़र था पिछले 4 महीने का, वो भी हमने बहुत नज़दीक से देखा। इस दौरान चूंकि कोरोना का काल आ गया, बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं हो पाई, इस वजह से सरकार का जो अवश्यम भावी हिलना डुलना था वो टल गया। लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि कैसे बिहार सरकार के दो दिग्गज मंत्री, एक मदन सहनी जी और दूसरा जीवेश मिश्रा, आपस में कैसे भिड़ गए हैं। अब देखिए, सच्चाई यही है कि मदन सहनी अपने ही सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं जी, और भाजपा के मंत्री जब उसको मैंने कैसे समझाने आते हैं, स्पेसिफाई करने के लिए चीज़ों को आते हैं, तो उनको दलाल तक कह दिया जाता है। ये बिहार में हो रहा है, ये एनडीए में हो रहा है,
और ये तब हो रहा है जबकि तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, अब उनसे अब नमन मिश्रा बोल रहा था तो बर्दाश्त, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, है अब तो हमेशा बोलते हैं सरकार गिर जाएगा। अब तेजस्वी यादव बोल रहे हैं तो जाके उनके मुंह पे बोलिए फेक न्यूज़ चैनल का है खोल दिए तेजस्वी जी, बोलिए जाके, और नहीं बोलिएगा तो बोलिए कि नमन मिश्रा के 2-3 महीने बाद तेजस्वी का बुद्धि खुला है जी, राज्य दल के प्रवक्ताओं का बुद्धि खुला है, या हो सकता है हमसे ट्यूशन लिए हों जी, तो जैसा मास्टर पढ़ाया वैसे भूसखोल भी जाती जी, तो दोनों भूसखोल हो गया ना, या दोनों पास। ऐसी स्थिति में चलिए तो व्यक्तिगत बातें होती हैं, मेरे साथ अगर आदत है तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ से एक स्थापित तो हो गया कि नेता प्रतिपक्ष इंतजार में है कि आम पेड़ पर से गिरेगा, उठाएंगे, खा जाएंगे, चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में बिहार में सरकार जब हिलेगी तो बदली हुई सरकार की परिस्थितियाँ कैसी होंगी, कैसे तेजस्वी यादव सरकार बनाएंगे, नए सरकार का प्रारूप क्या होगा, कुछ लोग तो दावा ये भी कर रहे हैं कि ना तेजस्वी अन्ना नीतीश कुमार, अब कुछ नया ही होगा, सब देखेंगे, सब पर नज़र रहेगी। लेकिन बाबा का एक बड़ा कहीं ना कहीं दावा है, बाबा कह रहे हैं कि जो सत्र आ रहा है मानसून का जी, ये उखाड़ फुखाड़ कराएगा। क्या है, सीधा बाबा के पास चलते हैं, बीच बीच में मैं अपनी विशेष टिप्पणियाँ जारी रखूँगा, ठीक है, चलिए बाबा की तरफ चलते हैं। नमन जी, सबसे पहले तो आप आए हैं रातों रात में, आपका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और जो विषय आपने शुरू किया है उस विषय में सबसे पहले तो यही कहेंगे हम कि 7 साल की भाजपा की राजनीति को आपने देखा है ना जी, जी नीतीश जी पर तो आप डिलीट किए हुए हैं, लेकिन भाजपा की 7 साल की राजनीति में आपने क्या देखा, यही देखा होगा कि अगर किसी को धप्पा मारना होता है तो पहले मुच्चो बोलती है जी, ये धप्पा और मुच्चो का खेल हर कोई खेला होगा, लेकिन भाजपा इसको जितना बेहतरीन ढंग से खेलती है उतना शायद कोई नहीं खेलता है जी। जी भारतीय जनता पार्टी करती क्या है कि आपको पहले अपने गोद में बिठाती है जी, फिर दुलारती पुचकारती है और आस्ते से हाथ दोनों, कभी कभी तो कान तक चबाने का मौका देती है, नीतीश जी चबा रहे थे पिछले 4 महीने से। तो ये तो भाजपा की प्रकृति है और ये नई भाजपा की प्रकृति है जी, इसमें नीतीश कुमार जी गोद में बैठ गए हैं, अब जब भी हाथ दोनों खाली हो जाए इसका अंदेशा और इसकी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं जी। ये चर्चाएं सबसे पहले भारत लाइव में, और आप ही ने कहा था, मुझे याद है, पूरी तरह से याद है, हम लोग चुनाव के समय में जब काउंटिंग चल रही थी उसी दरमियान हमने आपसे बातचीत किया था जी। तो आपने कहा था कि इस सरकार के बनने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बात जब जब हमने कहा है तब तब हमें गालियाँ पड़ी हैं। एक हमारे भगोड़े सबके सहयोगी उस वक्त हैं जी, जो अराउंड द वर्ल्ड यूनाइटेड इज कर रहे हैं जी। जी तो ये सारी बातें चल रही थी और इन सारी बातों में होते होते कोरोना ने कुछ दिन तक ये टाल दिया, जैसे जीवन को टाल दिया था कुछ दिन के लिए, जीवन ठहर गया था, वैसे सरकार भी ठहर, लेकिन चुप नहीं था लोग। इसमें एक चीज तो रहा, क्योंकि सरकार गिराने का, रोड पर आने का अतनी नीतीश जी को आदत है, जब वो नया कुछ दोस्ती उस्ती करते हैं तो अतनी राज्यपाल की तरफ चलते हैं। सबसे बड़ा नीतीश जी पर आरोप और विवाद टुन्ना पांडे एंड नीतीश कुमार जी इसी दौरान हुआ है, ताली पीट पीट के जी, बिल्कुल। और ताली पीटने का तो जो सिलसिला है वो तो लगातार चल रहा है, तो खैर के ताली पीटा जा रहा है। खैर ये सब बातें तो चल ही रही थी, लेकिन इन सब बातों के बाद अब सीरियस नोट पे आ गई है ये बिहार की राजनीति, और सीरियस नोट पे इसलिए आ गई है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, इसको आप सामान्य घटना की तरह देखिए, बिल्कुल, और एकदम ऐसे देखिए कि यदि आपके परिवार में कोई किसी की तबीयत खराब होती हो, वो अस्पताल में जाता हो, इलाज करवाता हो और उसका समाचार आप नहीं पूछे जी, तो निश्चित रूप से उस परिवार को, उस सदस्य को दुख जरूर जी। जी जी बिल्कुल, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, इसलिए मैं जी समझ रहा हूँ बातों को। अब ऐसी स्थिति में आपकी तबीयत खराब हो, आपसे कोई हालचाल नहीं पूछे और आपके पड़ोसी को बुला करके इज्जत दे, मान सम्मान दे, पूछे कि अब और कुछ चाहिए क्या आपको, अच्छा कैसे हैं आप, छाती पेशाब लौटने लगेगा, तो आप समझिए कि जो बीमार था उसकी क्या स्थिति होगी, छाती पेशाब। अब ऐसी स्थिति में आप समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूँ, ये सारी बातें हमने आपसे बात को बता दी है। अब ऐसी स्थिति में एक और दही में सही का बात हो रहा है, और वो बात जो हो रहा है वो दूसरे तरह की बात है। उन बातों में कहा यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ऐसे जाल में उलझ गए हैं जिसको काटने के लिए कोई चूहा भी नहीं उनको मिल रहा है जी। यह जाल सबसे बड़ा जाल है, एक तो सरकार को चलाने का जिसमें पूरी तरह से असफल है, आपने कहानी बताई, आपने कई लोगों का नाम भी लिया। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि नीतीश कुमार अपने से गिरे, मेरा मतलब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जिस इंतजार में है, मैंने शुरू से आप लोगों से कहा है कि एक इमोशनल पॉइंट चाहते हैं नीतीश कुमार, नीतीश चाहते हैं कि उनको धोखा मिले,
वो धोखा चिराग पासवान के मंत्री बनाने के तौर पर भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार ने अपनी रणनीतियां सामने ला दी। अभी भी परिस्थितियां वही हैं, अभी भी भाजपा अगर मंत्रिमंडल को विस्तार को आगे बढ़ा रही है तो उसमें बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार दिल्ली में जाकर उन्होंने भाजपा के समक्ष ये चुनौती रखी कि जिस तरह से पिछली बार आपने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की। और नमन जी, नीतीश कुमार की एक आदत रही है कि कोई भी बात वो अपने से नहीं कहते हैं, भाया मीडिया बातों को रखवा करके अपना प्रभाव बनाते हैं जी, कि जिसके लिए आरसीपी सिंह को भी मैंने खा भी नहीं और मुंह भी उठा नहीं, मुंह भी उठा नहीं। तो इस तरह से आरसीपी सिंह को उन्होंने बढ़ाया और बलि का बकरा तो आरसीपी सिंह बन गए। ऐसे कई लोग हैं, आपने शरद यादव को बलि का बकरा दे दिया। आजी बाबा देखे कि पारस जी कहीं शेरवानी वानी सिलवा रहे थे, कोई उनके सहयोगी है केशव जी उठा कर ले गए थे उनको, चलिए शेरवानी सिलवा ही लेते हैं। और देखिए विडम्बना, देखिए बाबा उसी जगह शेरवानी सिलवाया गया है जिस जगह 2015 में प्रेम कुमार गए थे सिलवाने के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उसी जगह पे जहाँ पर ललन सिंह अपना शेरवानी का ऑर्डर दिए थे जब मंत्रिमंडल विस्तार पिछले बार हो रहा था। यानी बहुत बढ़िया जगह नहीं है। और हमको लगता है कि देखिए बाबा एक बात तो सही बात है, हो सकता है कि पारस जी का सूट उट घट गया हो, या हो सकता है कि घर में कोई शादी, शादी ब्याह कैसे हो सकता है, रामलीला जी तो कुछ दिन पहले ही मरे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात इस पर भी चर्चा हो चुकी है, मंत्रिमंडल लगता है कि इस पर भी चर्चा हो चुकी है जी। अरुण कुमार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिस घर में इस तरह की घटनाएं होती हैं, कोई बुजुर्ग या कोई परिवार का सदस्य अगर गुजर जाता है तो साल भर तो कोई शुभ कार्य नहीं होता। लेकिन तो अपने मुंह से बोल दिया था ना कि हम तो मंत्री बनेंगे तो छोड़ देंगे वाला पद जी जी, तो मंत्री तो बनने का लगता है नीतीश जी को दिए थे। अब यहाँ गेम देखिए समझे कि क्या फंसा हुआ है। नीतीश जी को पारस को मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मंत्री बनवाना पड़ेगा अपने कोटे जी, और नीतीश जी तीन मंत्रिमंडल के लिए पहले से दबाव बनाए हुए हैं, एक राज्य मंत्री और दो मंत्री। अब यहाँ भी देखिए गेम क्या है, बहुत सिंपल है गेम, समझने की आवश्यकता है, और भाजपा का रंगा लगा रही है ये भी समझने की आवश्यकता है। दो जगह मामला फंसा हुआ है, एक नीतीश चाहते हैं कि लौकुश भी साथ लें और ललन सिंह को जो वादा किया था वो भी पूरा कर लें, वरना ललन सिंह भी भगोड़े हो जाए, वो कभी भाग सकते हैं, दांत गिनने लगेंगे, क्या क्या करने लगेंगे। और बात आरसीपी को भी रास्ते से हटाने की है जी, तो आरसीपी लव हो जाते हैं, संतोष कुशवाहा को कुछ बनाना है जी, और इनको एक भूमिहार जो कि ललन सिंह है इनकी पार्टी के, उनको भी साधना है। अब भाजपा यहाँ गेम खेल जा रही है, भाजपा साफ कर रही है भूमिहार कोटे से मंत्री पहले से ही तो है। ऐसी स्थिति में पारस बाबू का क्या होगा जिनका तो रहा है। अब सारी बातें परिस्थितियां ऐसे फंस जा रही है कि भाजपा साफ कर रही है कि ललन सिंह को तो मंत्री नहीं बनना है। ये नमन जी, ये सारी बातें जो आपने बताई ये नीतीश कुमार जी का एक प्लान है, फ्लो चार्ट है जिस पर वो अपना काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर यही बात भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लेना होता, मैं फिर बार बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को यदि आपको गिराना होता है तो पहले पुचकारती है जी। अगर ऐसा ही होता तो 2019 में क्या दिक्कत थी। अच्छा, भाजपा ऐसी स्थिति में है भी नहीं कि चिराग पासवान जी से छटक कर जो छह हो गए हैं छांडव जी, ये जाके सपोर्ट नहीं करे मोदी को तो सरकार गिर जाएगी। एकदम बिल्कुल आप उसी जगह पर हैं, और नीतीश कुमार जी के लिए वो सांप छुछुंदर वाली हाल हो गई। पारस जी का तो ऐसा हो गया कि दोनों तरफ से पुल जल रहा है, अब बीच में बेचारे बैठे हुए ना इसी पार ना उसी पार, उसी चक्कर में तो उनका उंगली टेढ़ा हो गया है जी। उनका उंगली जो टेढ़ा हुआ है यही इशारा कर रहा है कि न इधर करें न इधर करें जी। अब इस पूरे ब्रह्मांड में अगर राजनीतिक ब्रह्मांड बिहार सूट बेकार हो जाएगा बाबा सब सिलवाना। आपको तो याद है प्रेम कुमार वाला बात, प्रेम कुमार जी तो साइज थोड़ा बढ़ गया, अट भी नहीं रहा है उनमें, तो इनके साथ भी जब इतना सारा पद मिल गया तो इनके साथ भी वही होगा, सिलाएगा कि नहीं सिलाएगा, कारण कि खूंटी पर खरदार हो गया है, जिसता जिसके जिसता थान के थान का कपड़ा निकल रहा था। आपको याद होगा कि भाई वीरेंद्र ने मेरे साथ ही बातचीत में सबसे पहले कहा था कि हमको दर्जी का फोन आ रहा है जी, जिस दर्जी के यहाँ सिलाया गया था। तो ये तो राजनीति में चलते रहता है, लेकिन सबसे बड़ा जो पॉइंट है नमन जी, वो हम बार बार बता रहे हैं कि एक सीरियस नोट पे आकर के नीतीश कुमार जी अटक गए हैं, वो ये है कि आखिर 2019 में क्या कमी रह गई थी जिसको पूरा करने के लिए 2021 में फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। पहली बात ये है, पहला क्वेश्चन मार्क यहीं लग जाता है। दूसरा क्वेश्चन मार्क, क्या नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी को समाप्त करके खुद के लिए कोई रास्ता तैयार करेंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या नीतीश कुमार जी अपनी साख अपनी पार्टी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री का पद त्यागेंगे जी। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या नीतीश कुमार जी एक बार फिर से लालू प्रसाद से भैयारी और गोतिहारों निभाएंगे। वो इसमें एक और सवाल अंतिम मेरा है कि जिस तरीके से ये दावा हो रहा है, खासतौर पर आप भी इसके पक्षधर हैं, कि मानसून सत्र कुछ बड़ा लेकर आएगा जी। आपके कई प्रवक्ताओं से जो बात हो रही है मैं सुन रहा हूँ लगातार जी, दर्शक भी सुन रहे होंगे, मृत्युंजय तिवारी भी खास तौर पर ये दबाव डाल रहे हैं कि बरसात बाद खेला हो जाएगा, बरसात बाद खेला हो जाएगा जी, जी, जी। क्या लग रहा है, क्यों ऐसा आप लोग अंदाजा लगा रहे हैं।
देखिए ना मुझे सबसे बड़ी बात है कि भीतर से जो नीतीश कुमार की स्थिति जो है ना, वो दो ही चीज आदमी बता सकता है, एक या तो डॉक्टर बता सकता है या ऊपर वाला बता सकता है। कारण कि नीतीश कुमार जी तो मुखर होकर के बोलते नहीं है जितना अम्मा जी की तरह। आप समझिए ना कि एक ही डॉक्टर के पास दो आदमी जाता हो, डायग्नोस होता हो जी, और एक को कह देता हो कि बीमार है और एक को कहता हो कि नहीं आप बीमार को कहता हो कि नहीं आप ठीक हैं जी जी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बातें होती है। नीतीश कुमार जी इसलिए गए थे, उनको भेजा गया था आंख के बहाने कि वो दिल्ली में जाएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको, राजनीति तो दिल्ली में भी जमकर हुई जी, इज्जत के साथ लोग बुलाएं जी। नीतीश कुमार जी के लिए ये मुश्किल काम नहीं है, सॉल्व हो पाया कि नहीं दिल्ली वाला? नहीं ना जी, यही तो सबसे बड़ी बात है कि बैरंग चिट्ठी की मैंने बात कही थी जी। कि एक बैरंग चिट्ठी होता है, आज तो आजकल नहीं होता है लेकिन पहले होता, तब तो जमाना इंटरनेट का है जी। पहले होता क्या था मुझे याद है और मैंने भी चिट्ठियां भेजी हैं जी। जब आपके पास टिकट नहीं होता था, इमरजेंसी में किसी के पास संवाद भेजना होता था, तो बैरंग चिट्ठी बहुत तेजी से जाती थी जी, क्योंकि उस पर टिकट नहीं लगा होता था, उस पर पैसा नहीं, सरकार को फायदा हो रहा था जी। अब मजबूरी थी कि वो चिट्ठी गंतव्य तक पहुंचानी भी थी, उसके डबल पैसे मिलने थे, इसलिए वो चिट्ठी जो है और तेजी से स्पीड पोस्ट हो जाती जी, समझे। तो जा करके देने पर जिस आदमी को के नाम से होती थी, उस नाम उस आदमी को एक रुपया या दो रुपया देना होता था, लेकिन अगर वो नहीं रिसीव करता था तो दूसरे को डबल देना पड़ता था, मतलब दो के जगह चार देना पड़ता था। नीतीश जी के लिए वही स्थिति हो गई है। ये तो गए थे वहां दिल्ली और इसलिए गए थे कि इज्जत के सम्मान के साथ इनको बुलाया जाएगा, लेकिन थाली इनके सामने से खींच ली गई जो 2013 में इन्होंने किया था। और वहीं जीतन राम मांझी जो इनके खेमे के कहे जाते थे, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब मैं पूछता था, यहां तक कि हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने भी मुझसे कहा था कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं एनडीए का एलायंस नहीं हूं, मैं नीतीश कुमार का एलायंस हूं और तब मैं एनडीए में हूं, घटक नहीं है बल्कि एलायंस, बिल्कुल। और यही बात जो है भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती थी, लेकिन नीतीश कुमार जी का कलेजा काट करके कोई थाली में रख ले तो नीतीश कुमार जी बर्दाश्त करेंगे जी? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जी दूसरे का कलेजा काट कर अपने पास रखने वाले हैं। ऐसी स्थिति में नमन जी, जो भारतीय जनता पार्टी गेम प्लान कर रही है वो ये है कि जो उसका 2019 में ऑफर था वही ऑफर मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने सर पर जब बिहार में राजनीति कर सकते हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने सर पर नहीं कर सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल करना चाहिए और करे भी, क्योंकि बिहार में इतना ज्यादा झुक करके राजनीति करने वाला कोई राजनीतिक दल मुझे नहीं नजर आया। आपने सबको देखा होगा, चार सीट वाले बार बार नीतीश कुमार जी को कहते हैं हम तो बोलवे करेंगे, जीतन राम मांझी बार बार कहते हैं, शराबबंदी पर उनके जो उनका सबसे ज्यादा हृदय के करीब है उस बात को लेकर के बार बार उनको पुक करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया है, जो मुझे जानकारी मिली है, जो भीतर खाने से बात आई है, वो बात यही है कि अगर मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं नीतीश जी, अगर सद में यूज कर रहा हूं, अगर दबाव में होते हैं तो उन्हें एक मंत्रालय से ज्यादा नहीं मिलेगा, और एक मिलेगा तो एक उनको राज्य एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो 2019 में था या फिर उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जिसमें भी चर्चाएं चल रही थी कि शामिल होंगे, उस समय भी नहीं हुए थे। एक बार फिर से, पिछली बार तो इनके पास सारा गुण था, सारा सत्ता था, इनके पास ताकत ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी से, तो दिल्ली से लौट करके गुस्से में आए थे तो अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके जवाब दिया था। इस बार वो उस स्थिति में भी नहीं है। अगर इस तरह का कुछ करेंगे तो इनके लिए वो अंतिम दिन होगा, और इसीलिए बिल्कुल इसीलिए भारत लाइव बार बार कह रहा है कि मानसून सत्र पार नहीं करेगा अगर मंत्रिमंडल। एक और बात बता दूं बाबा आपको और दर्शकों को भी बता दूं कि बिहार के कई दिग्गज पत्रकार हैं जो पहले के जमाने से चले आ रहे हैं, हमसे बड़े हैं तो दिग्गज ही हम कहेंगे, वो भी कल से आज तक में जब ये दोनों मंत्रियों के बीच टकराव हुई है और यहाँ तक दलाल तक कह दिया गया, तो वो भी ये कहने लगे हैं कि खेला अब हो गया है जी और अंतिम चरण में है। कहीं ना कहीं देखिए, जब चेस शुरू होता है शतरंज, तो ये पता नहीं होता कि कौन मरेगा, लेकिन ये जरूर पता होता है कि राजा मरेगा जी, और राजा किस तरफ का मरेगा यही तय करने में समय बीतता है जी। अब ये तो तय है कि राजा मरेगा, लेकिन किधर का मरेगा ये नहीं पता है। परिस्थितियां अंतिम कोने तक पहुंच गई हैं, जिस समय चेकमेट होगा आपको सब कुछ सामने दिखने लगेगा, लेकिन जो चेस के जानकार हैं वो पहले से ही दाव लगाने लगते हैं कि ये कमजोर पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाला समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारी जो नज़र है वो बिहार की राजनीति पर लगातार रहेगी, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए, और एक विशेष आग्रह आप लोगों से है, भारत लाइव में कई बदलाव हुए हैं, आप लगातार हमारे साथ इस यात्रा में हमारे सहयोगी बनकर रहे हैं,
रातों रात में एक बार वापसी हमारी फिर हो ही गई है। इस वादे के साथ ही आपको बता रहे हैं कि रातों रात में अब लगातार हमारे दर्शन होता रहेगा आपको, हम आपको भेंट करते रहेंगे, वार्तालाप हमारे आपके बीच में होती रहेगी। इसी के साथ साथ जो बाकी हमारे शोज हैं पंचनामा, खासतौर पर बड़ा आग्रह आप लोगों की तरफ से था, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं व्यक्ति के जीवन में, हम बहुत बड़े चैनल नहीं, हम खुद कहते हैं बहुत बड़े बड़े दुकानदार हैं, हाट खोल कर रखे हैं, कोई दुकान खोल कर रखा है, कोई सुपरमार्केट खोल कर रखा है, उतना बड़ा हमारा पहुंच नहीं है ना, उतना बड़ा पहुंच हमें बनाना है जी। हमारे आपके बीच का जो सीधा संवाद है, जो बिना लाग लपेट का होता है, वो होता रहे। इसी बहाने बाबा भोजपुरी जो हमारी मातृभाषा है, जिसमें अश्लीलता फैली हुई है, उसे अलग करने के लिए एक नया प्रयास हमने शुरू किया था, जिस प्रयास को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। जो दर्शक भोजपुरी भाषी नहीं है उनसे भी मैं आग्रह हमेशा करता रहता हूं और आज भी कर रहा हूं कि इस भाषा को प्रेम देना जरूरी है, क्योंकि ये भाषा इस भाषाई विकास के रफ्तार में काफ़ी पीछे इसलिए छूट गई क्योंकि इसका दोहन किया गया अश्लीलता के आधार पर। यह अश्लीलता अब तक तो गायन में थी, अब ये संस्कार का हिस्सा भी बनती जा रही है, और तब दुख और होता है जब पत्रकारिता में भी इसका प्रयोग, बाबा के बाद ही लोग आए हैं, जो भी भोजपुरी बोल रहा है वो बाबा के बाद ही आया है, लेकिन जिस तरीके से इस भाषा को निम्न स्तर तक ले जाकर, इस भाषा के ऐसे अवयवों को जो इसमें थे ही नहीं जोड़कर जबरदस्ती भाषा को तोड़ मोड़कर पेश किया जाता है पत्रकारिता में, तो दुख होता है। और ऐसे तथाकथित उड़ीस टाइप के पत्रकारों से मेरा आग्रह है कि भाषाई शालीनता, खासतौर पे जिस वर्ग के आप हैं, जिस आप पूरी बिरादरी की बदनामी, बिल्कुल बदनामी नहीं हो, तो क्योंकि देखिए सच्चाई यही है कि जब पंचनामा मैं करता हूं तो मैं भी कई पत्रकारिता की बाउंड्रीज को लांघता हूं, लेकिन जिस और नमन जी जो आपको और हम मुझे जानते हैं वो इतना जरूर जानते हैं कि हमने आज तक किसी की बुराई पीछे पीछे नहीं की है जी, जो है जो है हम स्पष्ट बोलते हैं, सामने बोलते हैं, मुखर होकर बोलते हैं, इसे आप हमारी तरफ से दिया गया इनपुट भी समझिए, क्योंकि पत्रकारिता हो सकता है हमारी विरासत हो ना हो, लेकिन भोजपुरी हमारी भी है, आपकी भी है, तो सम्मान के साथ इस भाषा का प्रयोग किया जाए ताकि इस भाषा को हास्य का पात्र न बनना पड़े। कई बड़े दिग्गजों से हमारी बातचीत हो रही थी, ये वाक्या क्यों आया होगा ये भी जरूरी है, एक बहुत बेहतरीन पत्रकार है इस देश के जो हमारी भाषा में ही कहीं ना कहीं संवाद करते हैं, और उन्होंने इस बिहार के एक ऐसे इंसिडेंट की चर्चा हमसे की, हम जो जिनको बोल रहे हैं वो समझ रहे होंगे, उनके बारे में चर्चा करते हुए भोजपुरी का हास्य बना जी, और वो बहुत दुखद था। तो हम आग्रह करेंगे कि इस भाषा का सम्मान किया जाए, माँ है, माँ का सम्मान करना ही चाहिए, माँ को भौजाई मत बनाइए, वरना समस्याएं कभी समाप्त नहीं होंगी। आज खेसारी लाल यादव या पवन सिंह या जो भी हो, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, अगर ये भाषा में सुधार करने की बात कर रहे हैं तो इसके पीछे दबाव मेरे और आपके जैसे लोगों का है जो भाषा को प्रेम करते हैं, और स्वस्थ होनी चाहिए चर्चाएं, स्वस्थ होनी चाहिए जी। तो ऐसी स्वस्थ चर्चाएं अगर प्राप्त करनी हो तो आज शाम में खुदा ठोक के देखिएगा, और उसके एक घंटे बाद मैं पंचनामा लेकर आऊँगा, और जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है चीर फाड़ और ग्राफिक कंटेंट से वो पंचनामा नहीं देखेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।